दो मुंह चार हाथ दो पैर के बच्चे ने दिया जन्म। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के सत्यानंद हॉस्पिटल में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला है, जहां एक मां के गर्भ से दो मुंह चार हाथ दो पैर वाले बच्चे ने जन्म दिया है, जिसको देखने के लिए हॉस्पिटल में लोगों का तांता लगा हुआ है। पिता का नाम यासीन, पत्नी शाहिन बेगम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी धुसेपुर कर माया, थाना बेहटा गोकुल, जिला हरदोई। कल शाम को 9 बजे सत्यानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसकी आज सुबह डिलीवरी हुई, जिसमें दो मुंह चार हाथ और दो पैर हैं। पूरा मामला महानगर कोतवाली क्षेत्र चौक का है। इस तरह के बच्चा पैदा होने की वजह से सत्यानंद हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा का इलाज फ्री में किया जा रहा है। फिर क्या हुआ? चार हाथ है। कब भर्ती कराया था यहाँ? कल 9 बजे। इस टाइम पत्नी की हालत कैसी तुम्हारी? सही है। उत्तर प्रदेश में एक बच्चे की, ये अल्ट्रासाउंड में इनका जुड़वा बच्चों का था, ट्विंस थे। बाहर जब आए तब ये दो बच्चे आपस में जुड़े हुए थे। इसको सियामीज ट्विंस या कंजॉइंट ट्विंस बोलते हैं। तो इस बच्चे में दो सर हैं, चार हाथ हैं, दो पैर हैं, नाभि का एरिया कॉमन है और नीचे कमर का हिस्सा दोनों बच्चों का कॉमन है। कोशिश करके बच्चों को रिवाइव कर लिया गया है। बच्चों की अभी स्थिति ठीक है। आगे बच्चों के सर्जन से बाहर के अस्पताल में, बड़े अस्पताल में राय ली जा रही है कि ऐसे में बच्चों के बचने की संभावना कितनी क्या रहेगी, वो हमें दोपहर तक पता चलेगी। अभी क्योंकि घर वाले बहुत गरीब हैं, इनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जा रहा है।